हेलो दोस्तों, ट्रेडर अनसॉल्व चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मार्केट अभी किस मूड में है, मार्केट का अगला मूव कहां पर है, क्या मार्केट यहां से वापस आ जाएगा, क्या मार्केट यहां से 20,000 का जो टारगेट है वो अभी उसका जो ध्येय है वो 20,000 का है या उससे आगे चला जाएगा, या फिर मार्केट फिर से 19,000 पे आ जाएगा। काफ़ी सवाल यहाँ पे बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़े से लेवल्स और थोड़ी सी यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। तो अभी चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और नीचे प्यारी सी एक कमेंट जरूर कर देना। तो हमें बड़ा एनालिसिस करना है, बड़ा टारगेट देखना है, मतलब कि काफ़ी टाइम का हमें देखना है, वीकली देखना है या मंथली देखना है, तो हमें थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिन का नहीं देखना, मुझे देखना है 10 दिन का या 12 दिन का या एक वीक का। हमको मोटा मोटा यहाँ पे क्या करना है, एनालिसिस करना है कि एक वीक में मार्केट किस तरफ जा सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद उस चार्ट को मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम देखेंगे कि मार्केट अभी किस मूड में, मार्केट किस ट्रेंड में अभी चल रहा है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ से मार्केट ने एक बाउंस लिया। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से मार्केट ने एक अप ट्रेंड का जो बाउंस है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, उसके बाद मार्केट फिर से उसी ट्रेंड लाइन पर आकर फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हमको दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा नॉइस यहाँ पे दिखाया, लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की, उसके बाद फिर से वही ट्रेंड लाइन पर मार्केट आया है और एक बुलिश एंगल स्विंग यहाँ पे बनाता हुआ हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि उसी ट्रेंड लाइन पर आके मार्केट ने क्या किया, बुलिश एंगल स्विंग बनाई। तो यहाँ पे अभी मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ पे जो ट्रेंड है मार्केट का, यहाँ पे जो मार्केट का जो मूड है वो थोड़ा सा ऊपर की साइड चलता हुआ हमको देखने को मिलता है। अभी दूसरी एनालिसिस करते हैं कि दूसरी जो चीज़ है उसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे जो सपोर्ट था, सपोर्ट के भरोसे मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी जो रिसेंट डे है, रिसेंट डे का हम देखने वाले कि रिसेंट डे में क्या हुआ मार्केट में। तो यहाँ पे जो पहले हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे ली थी, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हमने पहले ली थी, यहाँ पे अभी वो सारी चीज़ें हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे अभी रिसेंट डेटा लेंगे, रिसेंट जो था मार्केट यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, उसके नीचे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, उसके बाद उसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके यहाँ पे एक हैमर बनाया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे थोड़ी सी नॉइस क्रिएट की, यहाँ पे फिर से मार्केट वहाँ से ऊपर गया। लेकिन मज़े की बात क्या है, मज़े की बात ये है कि यहाँ से ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या किया, जो ट्रेंड लाइन था उसको नीचे की तरफ ब्रेक किया। नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक रिटेस्ट हुआ। नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, रिटेस्ट हुआ। जो भी स्मार्ट ट्रेडर है ना, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का क्या हुआ, नीचे की तरफ ब्रेक हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्या बोल रहा है कि मैंने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, चलो भाई साहब अब हम नीचे जाएंगे, अब हम क्रैश कर देंगे मार्केट को। अभी रिटेस्ट करने के लिए फिर से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे क्या किया, लोगों ने बाय किया, यहाँ पे क्या किया, लोगों ने बाय किया, यहाँ पे भी लोगों ने बाय किया, ठीक है, और यहाँ पे भी लोगों ने बाय किया होगा, और यहाँ पे भी लोगों ने बाय किया होगा, क्या बाय किया होगा, पुट बाय किया होगा, शॉर्ट मारा होगा लोगों ने, कॉल सेल किया होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे की होगी नीचे की तरफ। सारी चीज़ों में यहाँ क्या हुआ, बाइंग हुई सेलिंग हुई। अभी क्या कर रहा है मार्केट, अभी मार्केट नीचे की तरफ आके यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड हमको देखने को मिलता है।
यहाँ पे क्या हुआ, रेंज बाउंड हो गया। यहाँ पे नीचे की तरफ इतनी रैली दिखाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक रेंज बाउंड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लिया था, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस थे। अभी यहाँ पे क्या हुआ, इस पैटर्न, ये प्राइस एक्शन, मतलब ये प्राइस बिहेवियर, अगर आपको नहीं पता ये प्राइस बिहेवियर क्या है तो हमारी ट्रैप ट्रेडिंग एपिसोड नंबर 2 देख लो, वहाँ पे मैंने लाइव बता दिया था कि मार्केट अगर ऐसी प्राइस बिहेवियर करता है तो लोगों के यहाँ पे क्या करता है, ट्रैप करता है। कैसे ट्रैप करता है मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रैप होते कहाँ से। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोगों ने क्या किया, भर भर के शॉर्ट मारा होगा। तो अभी मार्केट ने, अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना होता तो ये जो मूव था मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये मूव था उसमें बने रहना था। ये क्यों किया, लोगों को इनवाइट कर रहा है यहाँ पे, लोगों का SL यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। और जैसे जैसे लोगों का SL क्रिएट हो रहा है, जैसे जैसे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, उनका SL ऊपर की तरफ हिट करता गया, लोगों के SL खा रहा है। तो अभी जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट मारा है, कॉल सेलिंग की है या पुट बाइंग की है, इन सारे लोगों का क्या किया, यहाँ पे SL खाया। ये डेली टाइम फ्रेम पे चल रहा है, ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे नहीं है, लेकिन ये जो बिहेवियर है सभी में काम करता है। अब ये आपको नहीं पता कि ट्रैप ट्रेडिंग कैसे होती है, तो हमारी ट्रैप ट्रेडिंग सारी सीरीज देख लो, वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल्स में बताया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अभी क्या हो सकता है, मार्केट और ऊपर जाएगा, तो मार्केट ऊपर जाने के 2 यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज बनते हैं। पहले तो ये सारे लोगों का SL खाएगा, और दूसरा कि यहाँ पे मार्केट एक ऑलरेडी क्या है, एक सपोर्ट पर है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो क्या हो सकता है, अभी रिसेंट की हम बात करें तो रिसेंट में तो यही है कि अभी मार्केट इसका SL खाने के लिए ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कहीं पर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमको एक M पैटर्न बनता हुआ यहाँ पे क्या हुआ नज़र आता है। तो M पैटर्न यहाँ पे अगर बनता हुआ नज़र आता है तो क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे कहीं जाएगा, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ हमको मूव यहाँ पे कहीं पे मिल सकता है। उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या उसको M पैटर्न फुलफिल करना है, या फिर यहाँ से लोगों को M पैटर्न का दिखावा करके उसको ट्रैप करके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये थी वीकली एनालिसिस। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे PRC एक कमेंट कर दो। और अगर आपने ट्रैप ट्रेडिंग सीरीज नहीं देखा तो जल्दी से ट्रैप ट्रेडिंग सीरीज को भी देख लो, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको वहाँ से मिलेगी।